वेलकम गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में आज हमारी मंथली एक्सपायरी थी एंड काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिली मॉर्निंग में काइंड ऑफ मार्केट अपर लेवल्स को होल्ड कर रही थी लेकिन लेटर हाफ आप देखेंगे तो मार्केट में एक सडन काइंड ऑफ फॉल देखने को मिला एंड काफ़ी लोअर लेवल्स पर हमारी क्लोजिंग आई है फिर तो क्या एक्जैक्टली exactly रीजन था फॉल का क्या आगे एक्सपेक्टेड है क्या लेवल्स होंगे जो मार्केट के डायरेक्शन डिसाइड करेंगे इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि डेली आप इसी वीडियो मिस इस ना करें चलिए अलिस पार्ट पे आते हैं सबसे पहले फॉल आया क्यों आज के अगर ऑलमोस्ट डे दे हाइज देखेंगे ना और अगर हमें फॉलो कर रहे थे तो आपको पोजिशनल चार्ट पे एक चीज़ क्लियरली याद होगी हमने क्या डिस्कस किया था वहाँ पे देखिए आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है हमने पहले भी काफ़ी बार ये ट्रेंड लाइन डिस्कस की है लास्ट वीक हम इस ट्रेंड लाइन के अबव भी गए थे तब हमारा एटीन थाउजेंड टारगेट था फिर हम ट्रेंड लाइन के दोबारा बिलो आ गए और जब बिलो आए ना तो हमारा सेवनटीन फोर हंड्रेड लेवल लोअर साइड तो आया ही यहाँ सपोर्ट भी लिया मार्केट ने यहाँ मैंने आपको एक और चीज़ कही थी वो होप आपने मार्क किया होगा कि सुपर ट्रेंड को डेली टाइम फ्रेम पे एक बार मार्क करके देखो आपको बाउंस का भी रीज़न समझ आएगा मार्केट ने काइंड ऑफ सेवनटीन फोर हंड्रेड से बाउंस दिया अब बाउंस में ये ट्रेंड लाइन परफेक्टली वर्क कर रही है आज ऑलमोस्ट डे हाइज देखेंगे सेवनटीन सेवन ट्वेंटी सिक्स लेवल बना है और आपको क्लियरली पहले से याद होगा सेवनटीन सेवन ट्वेंटी के आसपास मैंने आपको इस ट्रेंड लाइन की रजिस्ट्रेंस बताई हुई थी और ऑलमोस्ट वहीं से मार्केट में वही ये ट्रेंडलाइन वर्क कर रही है इस ट्रेंडलाइन की रेजिस्टेंस से ही हमें फॉल देखने को मिला देखो 17400 से बाउंस जरूर आया था मार्केट में लेकिन अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो हमने क्लियरली कहा था कि हमें मेजर अपमूव और हम मेजर मार्केट में पोजिशनली बुलिश तभी होंगे जब इस लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा इसी ट्रेंड लाइन की रजिस्टेंस से आज हमें मार्केट में फॉल देखने को मिला है तो अभी भी ओवरऑल हम पोजिशनली बुलिश नहीं हुए है इंट्राडे में बाउंसेस आ रहे हैं वो हम कैच कर रहे हैं लेकिन पोजिशनली अगर हमें बुलिश होना है कोई मेजर रैली देखनी है तो उसके लिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए हमें जो आज भी मार्केट फेल हो गई उसे ब्रेक करना तो ये ट्रेंड लाइन की रजिस्टेंस की वजह से आज मार्केट में हमें ये फॉल देखने को मिला चलिए इंट्राडे चार्ट पे देख लेते हैं एक्जैक्टली exactly कैसी मार्केट थी आप देखो मॉर्निंग से अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई ठीक है और हमारी क्लियर डिस्कशन भी थी कि अगर सेवनटीन सिक्स हंड्रेड के अबव मार्केट रहती है तो मार्केट हमारे लिए बुलिश होगी अपक्सपेक्टेड है सेवनटीन सिक्स फिफ्टी भी हमारा टारगेट था सेवनटीन सेवन हंड्रेड भी हमारा टारगेट था क्लियरली दोनों ही टारगेट्स मॉर्निंग में ही अचीव हो kind of 17, गए फर्दर काइंड ऑफ सेवनटीन सेवन हंड्रेड की अबव भी गई मार्केट लेकिन कोई बहुत मेजर रैली नहीं देखने को मिली और इसका सिंपल रीजन यही था कि वो जो पोजिशनल ट्रेंड लाइन का लेवल है ना सेवनटीन सेवन ट्वेंटी उस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पा रही थी वहाँ मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रही थी पहली बार भी वहीं से डिप आया ऑलमोस्ट सेवनटीन सेवन ट्वेंटी ही डे आई लगा था डिप आता है सेवनटीन सिक्स फिफ्टी काइंड ऑफ मार्केट ने होल्ड किया दोबारा बाउंस आके ऑलमोस्ट फिर दोबारा उन्हीं लेवल्स पर आई मार्केट और फिर उसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट दोबारा रजिस्टेंस फेस करती है और ये जो सडन क्रैश और फॉल देखने को मिलता है फिर मार्केट में और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद हो हमने क्लियरली डिस्कस किया था सेवनटीन सिक्स हंड्रेड के बिलो मार्केट मेजर वीकनेस होगी कल भी अगर आपको याद हो देखो आज क्या हुआ है मार्केट में पहले मार्केट ने बहुत काइंड ऑफ रेंज में टाइम स्पेंड किया फिर स्लो फॉल देखने को मिल रहा है सेवनटीन सिक्स फिफ्टी भी ब्रेक हुआ लेकिन जैसे ही एक बार सेवनटीन सिक्स हंड्रेड लेवल ब्रेक होता है ना विद इन फोर कैंडल्स हम सेवनटीन फाइव हंड्रेड तक आ गए और बार बार आपको ये तो पता ही है मैंने बार बार आपके साथ डिस्कस किया है सेवनटीन सिक्स हंड्रेड से और सेवनटीन फाइव हंड्रेड के बीच में कोई लेवल्स नहीं है नॉर्मली हमें सिक्सटी सेवेंटी पॉइंट्स में लेवल मिल जाते हैं लेकिन यहां डायरेक्टली हर बार हमें हंड्रेड पॉइंट्स का मूव देखने को मिलता है और आज भी देखो कितना सडन मूव है विद इन फोर कैंडल्स सिर्फ चार कैंडल्स में ये मार्केट हंड्रेड पॉइंट्स कवर कर रही है और कल भी अगर आपको याद हो कल भी मॉर्निंग में एक्जैक्टली exactly जब मार्केट सेवनटीन सिक्स हंड्रेड से फॉल करती है सिर्फ फोर कैंडल्स में हम सेवनटीन फाइव हंड्रेड तक आ गए थे तो ये हर बार आपको देखने को मिलेगा इस लेवल से जब भी मार्केट में मेजर मूव आएगा ना बहुत सडन मूव देखने को मिलता है क्योंकि सपोर्ट उसके बाद कोई नियर बाय लेवल है नहीं जो स्लो मूव आए स्लो मूव करे मार्केट सडन मूव ही देखने को मिलते हैं क्योंकि सपोर्ट काफ़ी डीप है उसके बाद डायरेक्टली सेवनटीन फाइव हंड्रेड पर जो आज भी हमें देखने को मिला ठीक है और एक्सपायरी भी थी आज और वो मंथली एक्सपायरी थी सिर्फ वीकली एक्सपायरी नहीं थी मंथली एक्सपायरी में क्या होता है स्टॉक्स की भी एक्सपायरी होती है तो बहुत सारी पोजीशंस बुक होती है बहुत सारे रोल ओवर्स क्रिएट होते हैं तो इस वजह से मार्केट में बहुत सडन मूव्स देखने को मिलते हैं आज भी वही हुआ अब एक चीज़ क्या हो रही है मार्केट में बहुत अच्छी रैली हम दो तीन दिन से देख रहे थे लेकिन रैली का टॉप बन चुका है सेवनटीन सेवन ट्वेंटी लेवल के आसपास और वो क्यों बन रहा है वो हमने क्लियरली आपको डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे दिखाया तो मार्केट में जो मेजर बुलिशनेस देखने को मिलेगी ना अभी काइंड kind ऑफ of क्या हो रहा है मार्केट में मार्केट बाउंस करती है फिर फॉल कर जाती है फिर बाउंस कर रही है फिर फॉल कर जाती है तो जब तक अब ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है ना कोई मेजर वन साइडेड रैली अब मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी तो क्लियरली ये चीज़ पहले आपको याद रखनी है अब इमीडिएट कल के सेटअप की बात कर लेते हैं क्या लेवल्स होंगे और कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं कल निफ्टी में आज भी 17600 के बिलो सडन फॉल आएगा क्लियरली डिस्कस किया था अपसाइड टारगेट्स भी आए दो सेवनटीन के अबव कोई बहुत मेजर रैली नहीं देखी लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे लेवल्स को फॉलो करते हो तो अच्छे ट्रेड्स बनते सेवनटीन सिक्स फिफ्टी भी सपोर्ट लेके बाउंस आया है 17600 जैसे ही लोअर साइड ब्रेक हुआ सडन फॉल जो अब बताया भी था कि आएगा मार्केट में क्योंकि तो यहाँ कोई मेजर सपोर्ट इमीडिएट नहीं है ठीक है चलिए कल के लिए लेवल्स ऑफ ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं देखिए सेवनटीन फाइव हंड्रेड एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है उसके बिलो सेटीन फोर हंड्रेड टेन से फोर थर्टी यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्यों है मैं बार बार कह रहा हूँ एक बार सुपर ट्रेंड को डेली टाइम फ्रेम पर जरूर मार्क करें आपको पता लगेगा और पोजिशनली आप अच्छे ट्रेड्स भी बना पाएंगे ठीक है ये दोनों इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है मार्केट में फॉल भी आया लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत मेजर फॉल आने वाला है कोई बहुत मेजर वीकनेस है इतना भी कोई मेजर फॉल अभी एक्सपेक्टेड नहीं है यहां पे मार्केट के पास एक अच्छा सपोर्ट है ट्रेड्स अभी डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें अपसाइड रेजिस्टेंस सेवनटीन सिक्स हंड्रेड सेवनटीन सिक्स फिफ्टी एंड सेवनटीन थाउजेंड सेवन थर्टी लेवल क्लियरली ये अपसाइड रेजिस्टेंस लेवल है अब ट्रेड कैसे बनेगा देखो सेवनटीन फाइव हंड्रेड जो आज मार्केट ने होल्ड किया ये लेवल ब्रेक होता है किसी सिनारी में पुट्स में एंट्री करनी है आपको और ये जोन आपका टारगेट होगा अपसाइड अगर ट्रेड्स की बात करें गैप अप ओपनिंग दिख रही है लेकिन गैप अप ओपनिंग को इमीडिएट चेज नहीं करेंगे 17600 का ब्रेकआउट मिलेगा तो कॉल्स में एंट्री करेंगे 17650 और मैक्सिमम 17730 टारगेट के लिए मेजर जो डायरेक्शन डिसाइड होने वाली है लोअर साइड ये जोन करेगा अप साइड सेवनटीन करेगा लेकिन हमें इंट्राडे ट्रेड्स बनाने तो उसके लिए आप सिंपली ये सेटअप आप फॉलो कर सकते हैं 17500 के बिलो पुट्स में एंट्री 17600 के अबव कॉल्स में एंट्री और सुपर ट्रेंड में तो एक दो बार स्टॉप लॉस भी देखे होंगे लेकिन ये जो पूरा फॉल है ना ये भी आपको सुपर ट्रेंड ने कैच करा अगर आपने सुपर ट्रेंड मार्क किया होगा तो आप ये गज़ब का फॉल डी एंड में कैच कर सकते थे और जैकपॉट प्रॉफिट मिलता आपने देखा ही है तो आप ये बहुत अच्छा फॉल कैच कर सकते थे सुपर ट्रेंड को इसलिए हमेशा मार्क रखे चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बताएगा इवन आपको ट्रेंड भी कैच कराता है मॉर्निंग में रेंज वाउंड मार्केट थी लेकिन जैसे ही ट्रेंड आया सुपर ट्रेंड आपको वो भी बताता कि मार्केट में फॉल आने वाला है और आप ये ट्रेंड कैच कर सकते थे तो उसे अपने चार्ट्स पर जरूर मार्क रखें तो ये इंटरडे मार्केट भी हो चुकी है कल का सेटअप भी हो चुका है इवन हमने पोजिशनली डिस्कस भी कर लिया है लेकिन एक और चीज है ऑप्शन चेन क्या बता रही है ना वो भी एक बार देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए मार्केट के डायरेक्शन के बारे में इमीडिएट देखो 17500 के आसपास क्लोजिंग आई है लेकिन 17500 फाइव हंड्रेड मार्केट दिखा नहीं रही कि इतना ईजिली ब्रेक होगा सपोर्ट है यहाँ पे भी आप देखो पुट साइड है सिक्सटी टू थाउजेंड पोजिशन कॉल साइड है थर्टी सिक्स थाउजेंड तो अभी भी एक डिसेंट गैप है ओवरऑल अभी यहाँ ज़्यादा पोजिशंस क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन इतनी ज़्यादा पोजिशंस क्रिएट नहीं होता इतना ज़्यादा रोल ओवर नहीं होता है फिर भी जितनी पोजिशंस है उनके अकॉर्डिंग भी एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर अभी इमीडिएट सेवेंटीन फाइव हंड्रेड पर है इतना ईजी नहीं होगा इस लेवल को ब्रेक करना एंड ब्रेक होगा तो सडन मूव भी आएगा तो इसीलिए हम सेवनटीन फाइव हंड्रेड के बिलो ही पुट्स में एंट्री डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लेवल तो है ही ओवरऑल लेकिन इसके साथ साथ ऑप्शन चेन में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो कॉल साइड जो मैक्सिमम वो बिल्ड हो रहा है वो बिल्ड हो रहा है सेवनटीन सेवन हंड्रेड लेवल पे और आपको याद है इसी के आसपास हमारा पोजिशनल लेवल है सेवनटीन सेवन ट्वेंटी तो 17700 के आसपास काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन से भी दिखाई इसके साथ साथ ऑप्शन चेन भी यही बता रही है तो जो कल के लिए काइंड ऑफ रेंज हो सकती है ना मार्केट की वो सेवनटीन से सेवनटीन इस रेंज में मार्केट कल वर्क कर सकती है किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना कल मार्केट के लिए मुश्किल होगा करंटली जो ऑप्शन चेन बता रही है वो तो यही बता रही है ठीक है कोई चेंज होगा डाटा में तो लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे लेकिन अभी के डाटा के अकॉर्डिंग यही पता लग रहा है ओवरऑल ना कोई बहुत ज्यादा बेरिश मार्केट एक्सपेक्टेड है ना कोई बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट एक्सपेक्टेड है ट्रेंड की बात कर रहा हूँ ओवरऑल इंट्राडे में आ सकते हैं बाउंसेज लेकिन कंटिन्यूस ट्रेंड अभी कोई एक्सपेक्टेड नहीं है जब तक मार्केट किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देती है तो निफ्टी की बात हो चुकी है अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमारी क्या डिस्कशन थी देखो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर मार्केट थी मॉर्निंग में काइंड ऑफ रेंज में मार्केट थी और 39,000 लेवल के अबव मार्केट बोलिश रहेगी अपसाइड लेवल्स थे हमारे 39,300 एंड 39,500 अब एक्जैक्टली थर्टी नाइन तो आते हुए हमने नहीं देखा इसके काफ़ी क्लोज आई मार्केट लेकिन एक्जैक्टली exactly नहीं आया लेकिन आप अपर लेवल्स पे देखेंगे बैंक निफ्टी भी स्ट्रगल कर रही थी अपसाइड मूव ज़रूर आया गैप अप ओपनिंग के साथ ही मेजर मूव आया लेकिन उसके बाद अपर लेवल्स पे भी आप देखो यहाँ कितना मार्केट रेंज में टाइम स्पेंड कर रही है ठीक है और बिल्कुल सडनली आफ्टर टू बी जो जनरली होता है एक्सपायरी में जब एक साइड मूव आने लगता है तो कंटिन्यूस उस साइड ही मूव आता है वही फिर से होता हुआ दिखा जैसे ही इस बार सुपर ट्रेंड ने यह सेल साइन बनाया मार्केट में सडन काइंड ऑफ क्रैश और फॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में जो पोजिशनल लेवल था ना हमारा वो है थर्टी ये भी आपको याद होगा पोजिशनली हम बार बार डिस्कस कर रहे थे इसके अबाव क्लोजिंग आएगी तो बैंक निफ्टी हमारे लिए बुलिश हो जाएगी लेकिन इसके अब भी क्लोजिंग नहीं आई है तो ना निफ्टी में ब्रेकआउट मिला है अभी ना बैंक निफ्टी में मिला इंट्राडे बहुत ज़्यादा मूव्स नहीं थे हम मोस्टली देखेंगे रेंज में मार्केट थी हाँ कई जगह आपके एस एल भी हेट होते यहाँ पर जैसे थर्टी नाइन का ब्रेकआउट भी मिल रहा है लेकिन फिर मार्केट लेवल के बिलो आ गई तो यहाँ पे आपका स्कैंडल से एस एल होता है दोबारा भी रैली जरूर आई है लेकिन एग्जैक्टली exactly टारगेट नहीं आया तो थोड़ा चॉप मार्केट आज जरूर थी और एक्सपायरी में ऐसे मूव्स देखने को भी मिलते हैं लेकिन सुपर ट्रेंड ने वो सारे लॉसेस आपको सिंगल ट्रेड में ही कवर करा दिए होंगे अगर आपके पे मार्क था अगर आपने सुपर ट्रेंड से ट्रेड बनाया था तो जैकपॉट प्रॉफिट आपको मिला होगा डे एंड में यही है अगर आप एक सेटअप फॉलो करते हैं तो आपके लॉसेस हमेशा छोटे होंगे और प्रॉफिट आपको बड़े देखने को मिलेंगे अगर आप एक सेटअप फॉलो करते हैं चलिए अब कल के लिए बात कर लेते हैं पोजिशनली लेवल तो मैंने आपको बता दिया कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या सेटअप है इमीडिएट सपोर्ट थर्टी एट एट हंड्रेड लेवल है उसके बाद थर्टी एट फाइव हंड्रेड अपसाइड रजिस्टेंस थर्टी नाइन थाउजेंड उसके बाद थर्टी नाइन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी नाइन फाइव हंड्रेड अब कल के लिए भी सेम डिस्कशन है थर्टी नाइन थाउजेंड का ब्रेकआउट मिलता है बुलिश मार्केट है हमारे लिए कॉल्स में एंट्री करेंगे थर्टी नाइन थ्री हंड्रेड टारगेट होगा जो आज भी आया और इसके बाद फर्दर ब्रेकआउट तो थर्टी नाइन फाइव हंड्रेड हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा आज एक्जैक्टली नहीं आया काफ़ी क्लोज आई मार्केट इससे फिफ्टीन ट्वेंटी पॉइंट्स का गैप था लेकिन फिर भी कल भी सेम सेटअप है क्योंकि तो आज एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी में कई बार आपको ऐसा देखने को मिल सकता है तो सिंपल है थर्टी नाइन थाउजेंड के अबव फिर से आती है मार्केट तो हमारे लिए इंट्राडे में मार्केट बोलिश है पोजिशनली तो थर्टी नाइन थ्री फिफ्टी के अबव मार्केट बोलिश होगी याद रखना है और लोअर साइड थर्टी एट एट हंड्रेड के बिलो आपको पुट्स में एंट्री करनी है थर्टी एट फाइव हंड्रेड आपका टारगेट होगा सिंपली लोअर साइड मेजर सपोर्ट है हमारा बैंक निफ्टी में थर्टी एट वन ट्वेंटी काइंड ऑफ पूरे वीक का लो वहीं लगा था आपको याद होगा वहीं से ये मेजर बाउंस बैक आया है ऑलमोस्ट थर्टीन हंड्रेड पॉइंट्स का बाउंस बैक वहीं से आया तो वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बेहरिश हम इस लेवल के बिलो होंगे और बुलिश हम इस लेवल के अबव होने वाले हैं होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें